महाराष्ट्र में जुलाई ही नहीं अगस्त में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक विदर्भ में भी बारिश बढ़ गई है। लगातार पानी बरसने की वजह से खरीफ की फसल पानी में डूब गई है। अब स्थिति यह है कि उत्पादन होगा या नहीं कुछ पता नहीं। पहले सीजन की शुरुआत में बारिश नहीं होने के कारण किसानों को दो बार बुआई का संकट झेलना पड़ा था। इसीलिए अब अधिक बारिश के कारण उनकी तैयारी जो है एक बार फिर से तीसरी बार उनको बुआई करनी पड़ सकती है। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी लाग लपेट के मुआवजा दे। वाशिम जिले के मंगलपुरी के खरबी पिंपरी और धोत्रा क्षेत्र में अदाना नदी में आई भीषण बाढ़ से नदी किनारे की हजारों हेक्टेयर खेती जलमग्न हो गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। करीब एक महीने से लगातार हो रही बारिश के कारण जल स्तर बढ़ गया है। इसके अलावा अब जब बारिश होती है तो ये सीधे नदी क्षेत्र को प्रभावित करती है। मंगलपुरी के धोत्रा क्षेत्र के खारबी पिंपरी में भारी बारिश से अदन नदी में पानी भर गया। इतना ही नहीं, नदी तल से कम आधा किलोमीटर तक न केवल फसलें पानी में है बल्कि कई जगह पर तो फसलों के साथ साथ कृषि भूमि भी बह गई है। ऐसे में अब किसानों को बिना किसी औपचारिकता के सीधे आर्थिक सहायता मिलने की आस है। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को होता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि इस साल मराठवाड़ा के साथ साथ विदर्भ में भी सोयाबीन के रकबे में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। पिछले साल हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने इस साल सोयाबीन को प्राथमिकता दी, कॉटन को भी प्राथमिकता दी है। पिछले साल तो बारिश सीजन के अंतिम चरण में नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल शुरुआत में ही इतनी क्षति हो गई है कि इसकी भरपाई मुश्किल है। पिछले साल भी बाढ़ और बारिश से मराठवाड़ा क्षेत्र में हजारों किसानों को नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि खरीफ सीजन की फसलें बारिश पर निर्भर करती हैं। यदि बारिश सामान्य हो तो उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। पूरे जून में सूखा था और जुलाई के बाद से अब तक मूसलाधार बारिश हो रही है। फसल और किसानों की मेहनत इस साल सब कुछ पानी में जाता दिखाई दे रहा है। अदन नदी में बाढ़ आने से हजारों हेक्टेयर फसल पानी में डूब चुकी है। ऐसे में किसान कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, लेकिन सच तो ये है कि सरकार अब तक इस मसले पर गंभीर नहीं दिखाई दे रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अतिवृष्टि की वजह से करीब 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसमें कपास, ज्वार, तुअर और सोयाबीन शामिल हैं। हालांकि अभी वास्तविक रिपोर्ट का आना बाकी है। इसके अलावा बहुत सारे किसानों को फसलों की दोबारा बुआई करनी पड़ी है। कुछ किसानों के खेतों को घोंगे बर्बाद कर रहे हैं तो कुछ की फसल कीटों के अटैक से तबाह हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।